जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश दीपावली आने वाली है और उससे ही रिलेटेड मैं आज आपको साधना बताने वाला हूँ ये साधना आप दीपावली से शुरू कर सकते हैं लंबा साधना है तो अपने सक्षमता के अनुसार ही कितने आप सक्षम हैं इस चीज को देखते हुए इसका संकल्प करिएगा श्रीम बीज मंत्र जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड शुरू किया अपनी सुपुत्री के साथ मिलकर बनाना फिर उनकी दो पत्नी आई गायत्री और सावित्री और फिर तीन बीज मंत्र आए रिम श्रिम और क्रिम सरस्वती जो विद्या की देवी हुई लक्ष्मी जो माया से जितने भी चीजें उत्पन्न हुई उनको दिलाने वाली देवी हुई और संहार की देवी हुई काली जो महाकाल के साथ अस्मशान में विराजती हैं। श्रीम शक्ति से आप जो भी फल मैटेरियल लाइफ में या फिर मरणोपरांत पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं इस मंत्र को साधना थोड़ा कठिन है क्रिम का मैंने पहले आप लोगों को साधना बताया था क्रिम के अनुपात में अगर आप श्रीम शक्ति की साधना करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें लगती हैं जो आम लोगों के लिए शायद संभव ना हो मिलना सबसे पहले जो माता लक्ष्मी हैं उनका रूप समझने का विषय है माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजती हैं हाथों में कमल धारण किए रहती हैं एक हाथ में उनके कलश रहता है किसी फोटो में आप देखिएगा कलश से धन गिर रहा है किसी फोटो में देखिएगा कि वो बंद करके उन्होंने रखा है इसका कारण होता है एक हाथ उनका अभय मुद्रा में रहता है और उनकी सवारी उल्लू है कुछ कुछ तस्वीर में आप देखिएगा कि गण जो गणेश भगवान जैसे दिखते हैं गज वो भी दोनों तरफ से उनके आसपास आड़ू रहते हैं तो ये जो उनका एक रूप बनाया गया इसके पीछे कारण था लक्ष्मी माया को देने वाली देवी है ठीक है इसीलिए उनको दिखाया गया कमल आसन मतलब कमल किस चीज का प्रतीक है कमल प्रतीक होता है कीचड़ से निकलने वाला फूल जो खुद कभी गंदा नहीं होता है तो आप उस कमल पर बैठ के और हाथों में उसी कमल को पकड़े हुए मतलब उस माया में उस माया के ऊपर सवार हो के और उस माया को ही उन्होंने अपने वश में कर रखा है ये माता लक्ष्मी के हाथ का कमल बताता है जो धन पात्र है वो ब्रह्मांड बताता है वो माया बताता है जो उनके कंट्रोल में है अभय मुद्रा तो है ही उल्लू बताता है आपके जैसे हमारे लोग जिनकी वो सवारी करती हैं जो कि माया के पीछे परेशान रहते हैं सुबह उनको दिखाई नहीं देता और रात में वो भाग चलते हैं तो ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है जब हम माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं तो इसमें एक चीज है जो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि माता लक्ष्मी का जो यंत्र बनता है आप लोगों ने देखे देखा होगा सट कोन का एक तारा होता है और उसके ऊपर कमल बना होता है और उसी पे फिर मैं आपको अभी ऊपर दिखा रहा हूँ ये यंत्र ये यंत्र सोने के पात्र में बनवाया जाता है अगर आप सक्षम नहीं हैं देखो जो दस ग्राम सोना होता है ना वो कई एक किलोमीटर तक आप उसको खींच सकते हैं तो एक पतला सा भी अगर आप परत खरीद लो मान के चलो एक ग्राम का डेढ़ ग्राम का तो उस पर भी ये सोने का यंत्र बन सकता है और उस पर फिर आपको श्रिम लिख देना है ठीक है श्रिम मतलब माँ भगवती देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है उसी एक अक्षर बीज पर आज हम लोग पूरा मंथन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं जाप तो सबसे पहले भिर्गु ऋषि को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी देवी को प्रणाम करते हुए आपको बोलना है कि मैं अब ये जप धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ ठीक है अगर आप कर्ण आस करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ नहीं भी करिएगा तो चलेगा क्योंकि जनरली जो भगवती के मंत्र होते हैं वो जो मैंने का कर्णयास बताया है हृदयनास बताया है उससे भी चलता है कर्णयास का इनका मंत्र होता है ओम श्रम अंगुष्टाभ्याम नम ओम श्रीम तर्जनीभ्याम नम ओम श्रुम मध्यभ्याम नम ओम श्रम अनामिकाभ्याम नम ओम श्रम कनिष्ठ काभ्याम नम श्रह श्र कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नम इति कर्ण्यास हृदय हृदय न्यास आपको करना है ओम श्रम हृदय नमः ओम श्रम सिर से स्वाहा ओम श्रुम सिखाया वसट ओम श्रम कवचायम ओम श्रोम अस्त्राय फट इसके बाद भगवती का आप ध्यान करिएगा है ऐसे तो जो लक्ष्मी पूजा होता है उसमें काफी विधान है ठीक है लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं का आपको पूजा करना होता है हम्म जब आप वो सब पूजा कर लेते हो उसके बाद आप आते हो मूल भगवती के यंत्र पूजन में लेकिन जिस चीज का पूर्ण ज्ञान ना हो उसको आधा आपको नहीं करना चाहिए तो सीधा सीधा वो बात बताऊंगा जो आप कर सकते हो और आपके समझ में है ठीक है तो आप वो जो सोने का यंत्र है ठीक है उसको हाथ में लेंगे और उसके बाद उसको अभिमंत्रित कर, करेंगे श्रीम कमल आसनाय नमः श्रीम कमल आसनाय नमः श्रीम कमल आसनाय नमः इनको एक आसन दे दीजिएगा और उसके बाद जिस तरीके से आपको मतलब ये कल्पना करके पूजा करनी है कि वहाँ पे माँ लक्ष्मी का मूर्ति स्थापित है इसी यंत्र पे ठीक है उसके बाद इसी यंत्र का आप पूजा करिएगा जो मैंने आपको बताया है कि पुष्प देना है गंध देना है धूप देना है दीप देना है उसके बाद नवेद देना है। उसके बाद भगवती की का आज्ञा लीजिएगा और उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा तो ओम श्राम हृदय नमः ओम श्रीम श्री स्वाम श्रम ओम श्रम कवचायम ओम श्रम ओम श्रम अस्त्राय फट ठीक है विष्णु भगवान का ध्यान कर ओम वसुदेवाय नमः वो जरूरी है विष्णु विष्णु हरि हरि मतलब जो भी जो एक मंत्र विष्णु का आप जानते हैं उस उस मंत्र का आप ध्यान कर लीजिएगा एक चीज़ जरूरी होता है वो होता है दस दिग्पाल का पूजन तो उसका पूजन आप कर लीजिएगा ओम लंग इंद्राय नमः ओम रम अग्नय नमः ओम मम यमाय नमः ओम छम नेत्राय नमः ओम वम वरुणाय नमः ओम यम नमः ओम कुम कुबेराय नमः ओम हम नाय नम ओम आम ब्रह्मणे नमः ओम ह्रीम अनंताय नमः तो ये जब आप दसो दिशा का बंधन इससे क्या होता है खुल जाता है दसो दिशा का पूजा हम लोगों ने देखा है कि देवी महात्मा भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है इतना करने के बाद आपको इस श्रिम मंत्र का जाप 12 लाख बार करना है कितनी बार 12 लाख बार और सब मंत्रों का जो असर होता है वो चार लाख में शुरू होता है मैंने आपको बताया है लेकिन श्रीम एक ऐसा बीज है जिसका जाप आपको बारह लाख बार करना होगा शुरुआत में ही ठीक है बारह लाख करने के बाद इसका दशांश हवन होगा कमल का फूल मधु घी और शक्कर मिला के मतलब कैसे होता है कमल का फूल उठाया उसको मधु उसको मधु को छुआ घृत को छुआ शक्कर को छुआ और उसका हवन कुंड में दे दिया तो एक तो बारह लाख जाप करने में आपको काफी समय लगेगा और जब बारह हजार कमल फूलों की बात है तो उसमें भी आपको कम से कम साल भर लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं तभी आप एक बार में इतना हवन कर पाइएगा उसके बाद इसका दशांश तर्पण कीजिएगा तर्पण कितना होता है जितना आपने हवन किया उसका दशांश होता है तर्पण मतलब बारह हज़ार आपने किया तो फिर उसका दशांश बारह सौ आप तर्पण कीजिएगा ठीक है फिर मार्जन कीजिएगा जो दशांश जो आपने तर्पण किया है उसका दशांश मार्जन होगा और जो मार्जन करेंगे उसका दशांश जो होगा वो ब्राह्मण भोज होता है तो इतना करने के बाद आपकी लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी ठीक है अब जो लोग सक्षम नहीं है इतना करने में जिनको लगता है कि नहीं इतना हम नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए और भी उपाय है जो कि थोड़ा इससे आसान है देखो ये तो पूर्ण विधानश्रम का पूर्ण विधान कर लोगे तो हमेशा लक्ष्मी साथ चलेगी जो नहीं कर सकते हैं वो जो बहता पानी है उसमें अगर खड़े हो करके तीन लाख के संख्या में इस मंत्र का एक अक्षरी बीज का जाप कर ले तो उनको भी धन का स्रोत खुल जाएगा मतलब अच्छा खुल जाएगा और इतना खुल जाएगा कि आपको जो पहला मैंने उपाय बताया है वो आप करने के लिए सक्षम हो जाएंगे अगर अशोक की लकड़ी से आप घी और चावलों को मिलाकर होम करेंगे तो आप में वशीकरण की शक्ति आती है ठीक है जो बेल के पेड़ के नीचे बैठ के बेल का जो लकड़ी होता है उससे मिला हुआ आहार हाँ दो वर्ष तक कमल के साथ होम करता है उसको भगवती का प्रत्यक्षीकरण होता है इसी मंत्र से ठीक है और जो साधक मधु घी शक्कर है ना, और लाल कमल से माँ का हवन करते रहे उसको लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाती है तो यह हो गया श्रीम बीज का साधना विधान किसी भी शक्ति को पाना इतना आसान नहीं होता है और कोई भी साधना सिर्फ जाप से पूरी नहीं होती है ठीक है तो हमेशा याद रखो देखो ऐसे क्या है कि ये तो बारह लाख का जाप है मंत्रों की शक्ति शुरू हो जाती है जिस समय आप भगवती को खुद को समर्पित कर देते हो तो आज से अगर इस दीपावली से तुम शुरू करो अगली दीपावली तक भी पूरे कर दो तो अगली दीपावली तक भले तुमने पूर्ण ना किया हो या फिर जिस भी स्थिति में हो गए आज की स्थिति से सौ गुना अच्छे हो गए तो जिनको भी लक्ष्मी देवी की कमी है वो इस साधना को करें आज के लिए इतना ही जिनको साधना का बेसिक सीखना है जैसे बंधन दिशा बंधन आसन बंधन तो वो मेरे पेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है जिसका नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव जिसको डायरेक्ट मुझसे बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर ले और उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अगर तंत्र डॉट एक्स वाई जेट पर जाइए उस पर लिंक मिलेगा महालक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाए रखें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग अरे